i will explain the theorem chapter 1 real number let p be a prime number everyone know that what is the prime number prime number are those number uh, which have two factors one and the number itself if p divides a square a square if, it means you can take any integer uh, integer or any number uh, which is divided by the p then p divides a if p divides a square then p divides a also where a is a positive integer where a is any positive integer for example if you are not understand look at there for example a equal to 12 now uh, uh, the prime vectorization of 12 is 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and here it is given a square so a square it means uh, for, uh, I will take uh, uh, 12 its whole power is 2. Why? Because a equal to 12. So, my a square is 12 whole square. So, when you have to take the prime factorization, then 12 multiply, you can write here 12 multiplied by 12. So, factorization of 12 is 2 into 2 into 3 and the second 12 is 2 into 2 into 3. Now, there are how many? 2 and 2, there is 2 square. These 2 and 2, 2 is square and this 3 and 3, 3 square.

थ्री हो सकता है इन दोनों के अलावा बिकॉज कोई और नंबर प्राइम फैक्टर्स में है नहीं तो हो ही नहीं सकता तो पी इज़ वन ऑफ देम तो टू और थ्री जो है वो मैं इसको पी की वैल्यू मान सकती हूँ अब इस वाले में दे रखा है कि ए स्क्वायर जो है ये p डिवाइड ए स्क्वायर तो p मेरा हो सकता है टू और थ्री तो मैं चेक करती हूँ बिकॉज ए स्क्वायर दैट इज़ योर ट्वेल्व स्क्वायर ट्वेल्व इं टू वन फोर्टी फोर तो जब मैं वन फोर्टी फ़ोर को मेरा प्राइम नंबर दो हो सकता है या तीन हो सकता है तो अगर मैंने टू से डिवाइड किया दैट इज़ टवेंटी टू एंड वन फोटी फोर अगर मैंने इसको थ्री से डिवाइड किया तो ये आ रहा है फोर्टी एट इट मीन्स कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इन दोनों प्राइम नंबर से डिवाइड हो रही है सेम टू सेम अब, अब अ, 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 थ्योरम में ये दिया हुआ है कि अगर ए स्क्वायर से डिवाइड हो रही है कोई टर्म ए स्क्वायर से डिवाइड हो रही है देन पी डिवाइड ए ऑल्सो और पी हमारा क्या था दो नंबर थे टू एंड थ्री वो ए को भी डिवाइड करेगा जस्ट लुक एट दिस मेरी ए की वैल्यू जो मैंने एग्जांपल लिया था वो ट्वेल्व था ए ट्वेल्व तो पी जो था वो मेरे दो प्राइम नंबर से टू और थ्री इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू दैट इज माई सिक्स एंड ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री दैट इज़ माई फोर इट मीन्स कि पी डिवाइड्स एल्सो तो ये थ्योरम हमें यही बताना चाह रही है कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर अगर p डिवाइड्स कर डिवाइड करता है किसी इंटीजर को तो वो है p जो है वो डिवाइड करेगा a को भी थैंक यू